हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे आर्मी एग्जाम 2024 अभी ख़त्म हो चुका है, आपके सेप स्कोर क्या रहेगा फॉर अग्निवीर एंड परमानेंट ट्रेड। अग्निवीर में तो आपको पता है जीडी आता है, वुमेन मिलिट्री पुलिस आता है, टेक्निकल आता है, उसके बाद आपकी ट्रेड्समैन आते हैं। लेकिन जो परमानेंट ट्रेड हो गए आपकी, वहाँ पर क्या नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, उसके बाद आरटी जेसीओ, रिलीजियस टीचर जेसीओ, उसके बाद जो सर्वे ऑटोमेटर, कार्टोग्राफर, एसएससी, हवलदार, यहाँ पर ये कट ऑफ आता है। लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेशली यहाँ पर दो स्कोर देखेंगे। अगर आपको मैं पूछना चाहूँ कमेंट सेक्शन में कि आप सेफ स्कोर मतलब समझते क्या हो, अपने आपको मतलब क्या समझते हो, सेफ स्कोर का मतलब क्या समझते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब में भी देखा, वहाँ पर मैं एक रेकमेंड करूँगा ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जो चेंजमेंट हुआ है आपकी पासिंग मार्क में, प्लीज़ इसको जाके ज़रूर देखना। कल हमने अपलोड किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप जाके देखना। अभी मैं पूछूँगा अगर आपको सेफ स्कोर मतलब आपके हिसाब से क्या है। एक तो होता है जो यूट्यूब में आपको देखा रहा है कि जो फिजिकल के लिए अगर आपका सेफ स्कोर वहाँ पर बता रहे हैं कि इतना होगा तो आपकी फिजिकल में एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर फिजिकल के लिए आपको बुलाएगा, तो अगर आप उसको सेफ स्कोर मान रहे हो, मेरे हिसाब से वो सेफ स्कोर नहीं है। मेरे हिसाब से सेफ स्कोर वो है जो हमारे को यूनिफॉर्म दिलवाए, हमारे को ट्रेनिंग सेंटर में भेजे और हमें एक अच्छा लाइफ दे, उसको मैं सेफ स्कोर मानता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से सेफ स्कोर ये हो सकता है कि हाँ इतने में से मार्क आ जाएगा तो मुझे फिजिकल के लिए बुला लेगा, बट आई डोंट थिंक सो। मेरे नज़रिए से सेफ स्कोर वही है जहाँ पर मुझे नौकरी मिले, मेरे लाइफ में चेंजमेंट आए, जो मैं करना चाहता था वो मुझे मिले, तो मैं उसको सेफ स्कोर मान के चलता हूँ। आज की वीडियो में आपको दोनों स्कोर बताऊंगा, एक तो आपका जो फिजिकल में एडमिट कार्ड आएगा उसका, दूसरा एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि आपकी भर्ती कंफर्म हो जाए हर एक ट्रेड का, चाहे जीडी हो, अग्निवीर, टेक्निकल हो, आपकी ट्रेड्समैन हो, नर्सिंग हो, एससीसी, हवलदार हो, आरटी जैसे हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपका इतना अगर रेटिंग में आता है और फिजिकल में कितना आता है, क्या जुड़ता है, वो पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल में पहले आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, पहले देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो कल वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ से जो अपडेट है आपको पता चल जाएगा। पहले है आर्मी जीडी, यानी यहाँ पर है जनरल ड्यूटी जो कि आता है अग्निवीर में, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पर क्या करते हैं, इस भर्ती को देते हैं सबसे ज़्यादा कैंडिडेट। यहाँ पर स्कोर्स निकालने के लिए, सेफ स्कोर निकालने के लिए हमें कुछ डिटेल्स की ज़रूरत या फिर उस पॉइंट पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन लेवल क्या था। हर एक साल के कट ऑफ सेम नहीं जाता, हर एक साल के अप एंड डाउन कट ऑफ जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी कितने कैंडिडेट एप्लीकेशन डाला है, कितने कैंडिडेट वहाँ पर गए हैं एग्जाम देने के लिए, कितने कैंडिडेट वहाँ पर स्कोर अच्छा किया है, क्वेश्चन लेवल क्या था। तो अगर मैं जीडी की बात करूँ, पहले हम आर्मी जीडी से शुरू करते हैं, आर्मी जनरल ड्यूटी अग्निवीर, सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं रहता है। तो इस बार अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, जितना हमने एनालिसिस किया था, जितना हम कैंडिडेट से बात किया था, कि उन्होंने बोला सर क्वेश्चन लेवल डिफिकल्टी नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में था, और हर एक बंदे का 42, 43, 44, 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए और सही हुए, 49 भी कैंडिडेट है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने जितने से भी बात किया है, अगर आपके फिजिकल का एडमिट कार्ड के बारे में आप पूछ रहे हो तो 40% यानी 40 मार्क अगर आप रखते हो, यानी 20 क्वेश्चन अगर आप करते हो बढ़िया से 20 क्वेश्चन, तो आपके फिजिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 40 क्वेश्चन से ऊपर करते हो, 40 क्वेश्चन से ऊपर करते हो, और क्योंकि इसका फिजिकल का मार्क वहाँ पर आपके जुड़ता है मेरिट लिस्ट में, साथ में एनसीसी की मार्क, साथ में कोई कॉलेज का जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगा दिया, कोई रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगा दिया, तो वहाँ पर हाई चांसेस कट ऑफ जाता है। तो मिनिमम अगर आप 40 क्वेश्चन से ऊपर किया, यानी 80 मार्क आपने रिटिन में लाए हो, साथ में आपके 100 फिजिकल में आया है, यानी 180 के आसपास आपके स्कोर बन रहे हैं, तब जाके आप सोच लेना कि आपकी भर्ती कंफर्म है। अगर आपकी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, 40-50 नहीं बोल रहा हूँ, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, 40-41-42 यहाँ पर से ज़्यादा क्वेश्चन आपका सही है, तो यहाँ पर से आपकी चांसेस है कि आपको भर्ती मिल जाए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट कहाँ तक जा सकता है, लोएस्ट आपका स्कोरिंग है 35। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 35 भी करते हो तो इसकी भी चांसेस आपकी है कि आपके मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, 35 × 2 कर दो तो 70 प्लस ये आपका 100 हो जाएगा फिजिकल का, तो कितना हो गया 170। 170 के ऊपर भी अगर आप स्कोर करते हो तब भी आपकी वर्दी वहाँ पर कंफर्म है,
क्योंकि मेरे को मेरे हिसाब से सेफ स्कोर वही है जो हमें वर्दी दिलवाएगा, हमारे लाइफस्टाइल चेंज करेगा, हमें नौकरी दिलवाएगा। मेरे हिसाब से सेफ स्कोर वो है। मेरे हिसाब से सेफ स्कोर ये 40% नहीं है जो एडमिट कार्ड के लिए बुला रहा है। मैं एडमिट कार्ड ले लूँगा और फिजिकल पास कर लूँगा, 40 मार्क मेरे आगे फिजिकल पास कर लूँगा, एडप्टिट्यूड टेस्ट भी क्लियर कर लिया, मेडिकल कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, लास्ट में मेरिट लिस्ट में मैंने कट गया, तो क्या फ़ायदा फिर? बीर बटर सन्नाटा हो गया मेरा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना फिर इतना दूर जाके, फिर क्या फ़ायदा फिर? तो वहाँ पर मेरा सेफ स्कोर 170 यानी 35 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो यहाँ पर से आपकी कट ऑफ आराम से आ जाएगा अग्निवीर जीडी मेल के लिए। अब आते हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, फीमेल के लिए बात करते हैं, WMP। अब देखो यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है वो हाई जाता है। इनकी जो टेस्ट चल रहा था, इनकी जो जीके है थोड़ा सा हाई आया था, मतलब थोड़ा सा हार्ड आया था इनको, लेकिन इनकी कट ऑफ हाई क्यों जाता है? इनकी टोटल वैकेंसी है 99 पोस्ट, कितना 99 पोस्ट टोटल है, और पूरे ऑल इंडिया बेसिस पर इनकी मेरिट लिस्ट निकलता है। पिछले साल मेरे 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, अभी लखनऊ में है, तो उनकी जो मार्क कितना था, 200 में से उनके मार्क्स था 200 से उनकी जो मार्क था वो 199 के आसपास था। आप लोग सर इतना मार्क कैसे आ गया? इतना मार्क इसलिए आ गया उनके पास ना वो सर्टिफिकेट था NCC के सी सर्टिफिकेट प्लस RD परेड वाला था, तो 25 मार्क तो उनको वहीं से मिल गया था, 100 मार्क्स तो वहाँ से लेके आ गए थे, कहाँ से? फिजिकल में 100 में से 100 लेके आ गए, फिजिकल तो जुड़ता है यहाँ पर, तो 100 और 125, और उन्होंने क्वेश्चन कम से कम कर दिया था, मतलब 38 के आसपास क्वेश्चन उन्होंने सही किया था, 38-37 क्वेश्चन आसपास सही किया था, तब जाके 199 कुछ स्कोर हुआ था उनका, 199 पे सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ये नॉर्मल कटअप नहीं है, जो लोएस्ट कटअप आपका अगर इस बार आपने दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत एडिशनल सर्टिफिकेट्स वहाँ पर जुड़ता है, लाइक कि आपके NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, किसी ना किसी की भाई होता है, किसी ना पापा होते हैं, तो वहाँ पर 20-25 मार्क उनको एडिशनल मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको स्कोर करना है तो 185 के ऊपर अगर आपके स्कोर जाता है तब आपकी चांसेस बनेगा कि आपको बढ़ती मिले, आपको नौकरी मिले। 185 से नीचे मुझे नहीं लगता है, और हाईएस्ट अगर बहुत लोएस्ट की बात करूँ 181, इसके नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं, इसकी उम्मीद भी नहीं रखना। अगर आप अपनी फीलिंग्स इसमें पुट करना चाहते हो, नहीं सर इस बार क्वेश्चन बहुत हाई था, 150 में सिलेक्शन हो जाएगा, वेल एंड गुड, हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर आपको एक्चुअली जो बात बताने के लिए, ना कि आपकी भावना को, इमोशन को यहाँ पर बीच में मैं नहीं लाना चाहता हूँ, जो है जो नहीं है नहीं है। तो यहाँ पर 180 के ऊपर अगर आप स्कोर देखेंगे, 180 से 200 के बीच में आपकी सारी का कट ऑफ जाएगा। अगर आपके अगर नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल 40-41 क्वेश्चन लेके चलिए, 40 से तो कोई मतलब ही नहीं, नीचे आ जाए आपकी, उसके बाद 100 फिजिकल में। 180 के ऊपर अगर आपका स्कोर जाएगा वहाँ पर आपकी चांसेस बनेगा कि आप वुमेन मिलिट्री पुलिस की आपकी वर्दी मिल जाए। अगर आपकी 30 क्वेश्चन सही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी वहाँ पर नंबर आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट काफ़ी कम रहता है, हर ईयर में 1-2 लड़कियाँ सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने दोनों की बात कर लिया, अब चलते हैं हम बात करते हैं टेक्निकल वालों का क्या हालत है, अग्निवीर टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल की मेरिट लिस्ट की कट ऑफ, वहाँ पर WMP के भी सेम है, 40% रखोगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा, लेकिन हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात किया यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल में सेम, फिजिकल में अगर CW में 40% यानी 40 मार्क रखते हो तो आपको वहाँ पर बुलाएगा, कहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको फिजिकल में बुलाएगा। लेकिन जो कट ऑफ इनकी जाता है 50 से लेके आपके 60-65 तक जाता है, ठीक है। इनकी जो कट ऑफ 50 से लेके 65 के बीच में इनकी कट ऑफ वहाँ पर जाता है। इनका क्या है, जो फिजिकल का जो मार्क्स है, चाहे आप एक्सीलेंट 100 मार्क लेके आओ या फिर 80-80 मार्क लेके आओ या 60 मार्क लेके आओ, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। इनकी जो फिजिकल मार्क यहाँ पर ऐड नहीं होता है, उसको वहाँ पर काट दिया जाता है। आपको सिर्फ जो मेरिट लिस्ट निकलेगा आपकी ओन बेसिस पे निकलेगा रिटिन की कट ऑफ के ऊपर। अगर आपकी जो मार्क है, परसेंटेज है, 50 से लेके 60 है, इनकी जो मार्क है 50 से लेके 60 है, तो यहाँ पर आपकी चांसेस है बिल्कुल आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी नाम चला जाएगा, ठीक है। और अच्छा खासा सीट होता है टेक्निकल में, अच्छा खासा सीट होता है, आपको वहाँ पर सीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर से अगर आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को एक मार्क है तो मिनिमम 60 क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन का 2 मार्क है मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। यानी मान लीजिए 50% से ऊपर आपके मार्क्स चाहिए,
अगर मान लीजिए 200 मार्क है तो आपके 110 से ऊपर आपके कट ऑफ जाता है, वहाँ पर टेक्निकल में आपके बिल्कुल चांसेस है 120, 110, 120 के ऊपर आपके कट ऑफ जाएगा, तो वहाँ पर से आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल में ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ, इनकी भी क्वेश्चन ऑफ बढ़िया था, इस बार आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमें लेके चलते हैं सेप स्कोर, वहाँ पर 120 लेके चलते हैं, यानी आपकी तकरीबन 60 मार्क 100 में से 60 होना चाहिए। अगर आपकी 200 मार्क का एग्जाम है तो 120 आपकी होना चाहिए, अगर इतना होता है तो आपको वर्दी मिल जाएगा, आपके सेफ स्कोर कटअप में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर उसके बाद चलते हैं ट्रेड्समैन में। ट्रेड्समैन में थोड़ा अलग है भाई, ट्रेड्समैन में क्या है, आपकी जो रनिंग आपको बुलाएगा 40% के मार्क पे बेसिस पे बुलाएगा, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट का कटअप बनेगा यहाँ पर तीन चीज़ में बनता है, एक बनता है फिजिकल, एक बोलता है स्किल टेस्ट, एक बोलता है रिटन टेस्ट, ये तीनों के बेसिस पर यहाँ पर बनता है। और जो अपना ट्रेड्समैन का जो पोस्ट है ना वो काफ़ी कम होते हैं, सेम लाइक इनका जो अपना WMP हो गया ना, वुमेन मिलिट्री पुलिस, इतना भी कम नहीं होता लेकिन कम होता है, क्योंकि ट्रेड्समैन का ज़्यादा भर्ती होता नहीं, ज़्यादा काम होता नहीं है। तो वहाँ पर इनकी जो फिजिकल की भी मार्क जुड़ेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट 50 मार्क इनका स्किल टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं वाशरमैन में फॉर्म फिलअप किया था, तो वाशरमैन यानी सफाई वाला के लिए कपड़े मैं कैसे साफ करता हूँ, या फिर मैंने क्लीनर के लिए भरा है, या फिर कुक के लिए भरा है, बारबर के लिए भरा है, मेरे स्किल पे, मेरे काम पे जिसके लिए मैंने भरा है मुझे कितना काम आता है, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, वो भी काफ़ी वेटेज रखता है आपकी मेरिट लिस्ट में। और साथ में आपकी फिजिकल, फिजिकल में कितना मार्क्स आया। तो मान लीजिए अगर टोटल इनको 200 मार्क का आकर एग्जाम हम माने इनका, 50 का रिटिन, 50 का स्किल टेस्ट और 100 का फिजिकल, तो यहाँ पर आपकी जो कटअप जाता है वो 140-130 के बीच में जाता है, कितना 130 से लेके 140 के बीच में अगर आपकी तीनों मार्क्स मिला के आ रहे 200 में से, तो आपकी सीयर शर्ट सिलेक्शन है, आपको अग्निवीर ट्रेड्समैन में आपको मौका मिल जाएगा 130-140, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इनकी जो रिटिन का कट ऑफ हाई नहीं जाता है, क्योंकि ये 10th लेवल में भी होते हैं और 8th लेवल में होते हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं और जो ट्रेड्समैन में भी फॉर्म भरते हैं तो ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होते नहीं है, तो इनकी जो भी कट ऑफ जाता है वो इतना हाई नहीं जाता, लो कट ऑफ में इनकी सिलेक्शन हो जाता है। तो 130 से लेकर 140 स्कोर इज ए गुड स्कोर, यहाँ पर आपकी सिलेक्शन हो जाएगा अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए। अब बात कर रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के लिए। अब मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ यहाँ पर, कि आपका जो सिलेक्शन होता है वहाँ पर ना हर एक सब्जेक्ट को मार्क्स मिला के होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें इतना मार्क, इतने इसमें इतना मार्क, इसमें इतना मार्क, लेकिन इनकेस ऑफ सिपाही फार्मा यहाँ पर होता है, इस केसेस में अगर इतना मार्क्स नहीं रखोगे इस सब्जेक्ट में तो वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा आपका, चाहे कितने भी रखो। व्हाट आई एम सेइंग कि देखो यहाँ पर सिपाही फार्मा की टोटल 200 मार्क रिटिन का है, वहाँ पर से ये बोलता है कि जो फार्मेसी का मेरा 100 मार्क है, जीके और इंग्लिश का 100 मार्क है, यहाँ पर से 100 में से आपको 40 रखना है तब जाके आप पास हो गए, या में से 100 में से 60 रखना है तब पास हो गए। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट है, इसमें 100 में से 100 ले आए, इसमें से 30 ले आए, तो कैंडिडेट फेल माना जाएगा चाहे कितने भी मार्क्स रख ले। जो बेसिक मार्क्स है जहाँ पर कट ऑफ रखा गया पासिंग मार्क्स, वो रखना पड़ेगा। अगर आपको फिजिकल में एडमिट कार्ड चाहिए तो यहाँ पर 60, यहाँ पर 40, दैट मीन्स 100 में से रखना पड़ेगा, 100 मार्क लाना पड़ेगा इन दोनों को मिला के। तो यहाँ पर देखो ध्यान रखना कि 100 मार्क तो लाना ही है आपको, उसके बाद आपको 60-40 का रेशियो जो है उसको भी रखना है, यानी कम से कम आपकी जीके और इंग्लिश में 40% और इस फार्मेसी में 60% मार्क आपका होना चाहिए। ये हो गया आपको फिजिकल में बुला लिया, लेकिन जो आपके फाइनल कट ऑफ जाएगा यहाँ पर बहुत हाई जाता है कट ऑफ। क्यों जाता है? क्योंकि देखो वुमेन मिलिट्री पुलिस में 99 पोस्ट है और यहाँ की जो पोस्ट रहता है तकरीबन 50-60 पोस्ट रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पर है, अभी इसकी भर्ती नया नया चल रहा है, जैसे ट्रायल बेसिस इसका सक्सेसफुली हो जाएगा तो इसकी वैकेंसी ज़्यादा आना आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी 50-60 वैकेंसी हर साल निकलता है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है आपके 160-170-180 से, मान लो 160-170-180-190 इस बेसिस पर यहाँ पर कट ऑफ बनेगा, 160 के ऊपर ही बनेगा, 170-180-190, ठीक है। इतना हार्ड ये एग्ज़ाम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज कम होते हैं, 50 वैकेंसी ऑल इंडिया बेसिस पर, सोचो कितना कंपटीशन होगा। UPSC एग्जाम ना सबसे टॉपेस्ट एग्जामिनेशन, 1000 पोस्ट की वैकेंसीज रहता है वहाँ पर, 1000 पोस्ट की UPSC में जो IAS वगैरह बनते हैं, यहाँ पर से 50-60 पोस्ट रहता है, वहाँ पर से कंपटीशन कर लो। और जितना फॉर्म यहाँ पर पड़ता है ना UPSC में, उससे तो कहीं गुना ज़्यादा फार्मेसी में फॉर्म डलता है, तो इस हिसाब से कंपटीशन आपका ज़्यादा है। तो कोशिश करिए आपके जो देखिए यहाँ पर अगर आपको एग्ज़ाम सक्सेसफुली क्लियर करना है ना, फार्मेसी के जो 100 मार्क है यहाँ पर सारे फार्मेसी के स्टूडेंट है, तो नॉर्मली इसकी जो कटअप आएगा वो अच्छे खासे मार्क्स लेके आएंगे, वो यानी
100 में से 90 80 तक लेके आएंगे। लेकिन आपको पॉइंट कहाँ देना है, 100 में से अगर आप जीके और इंग्लिश में बढ़िया से चीज़ें हो जाते हो, इसकी बेस्ट बुक हमने बता के दिया है, वो चीज़ें फॉलो करते हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी मार्क्स अगर 80 आ गए ना, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 91-70 मार्क्स हो गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जहाँ पर आपको जगह बनाना है तो ये जो है ना जीके और इंग्लिश, यहीं पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट तो सबको पता है, फार्मेसी में जितने पढ़े सबको पता है फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें होता है, यहीं पर वो डिफरेंस क्रिएट करेगा और यहीं पर आपको एक जगह एक पोस्ट आपको निकाल के दे सकता है। ठीक है, ये हो गया आपकी फार्मेसी के क्लियर। अब चलते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की देखिए, यहाँ पर जो इस साल की जो एग्ज़ाम हुआ था, हाँ मैंने फार्मेसी की भूल गया, फार्मेसी के जो इस साल की एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी मॉडरेट हुआ था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं था, इसलिए वी आर एक्सपेक्टिंग 160-190 कट ऑफ आपकी जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट इस साल की जो एग्ज़ाम है, काफ़ी लोगों ने बुलाया, हार्ड हुआ है, बहुत हार्ड हुआ है, और एग्ज़ाम सही में डिफिकल्टी लेवल इस बार बहुत हार्ड था नर्सिंग असिस्टेंट की, तो इस बार चांसेस है कि आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी लो जाए एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर जो आपको अगर फिजिकल के लिए अगर आपको जगह बनाना है, एडमिट कार्ड चाहिए, तो वहाँ पर सेम 40% आपका रहेगा, 200 मार्क आपका फुल मार्क होता है, 80 मार्क से ऊपर लाओगे किसी भी सब्जेक्ट में मिला के आपका 80 होना चाहिए, आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड मिलेगा, पक्का मिलेगा। उसके बाद अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बनाना है, कटअप बनाना है, तो यहाँ पर से आप 20 क्वेश्चन करते हो तब जाके आपके फिजिकल में आता है। अगर आप इस बार 30 क्वेश्चन से लेके 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यानी 120 से लेके 140 के बीच में इसकी कटअप इस बार आपको देखने के लिए मिलेगा, एज़ पर डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कटअप की भी बंदों ने स्कोर किया हुआ है, जिनको लगता है डिफ़िकल्टी है तो है, लेकिन अगर आप 120 के ऊपर यानी 30 से लेके 35 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आप यहाँ पर एक अगर एक्यूरेट नंबर लेके चलेंगे तो हम 35 नंबर को एक्यूरेट लेके चलेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका हो गया वो 120 और ये 20, 140 140 के ऊपर अगर आपके आसपास नंबर आ जाता है उसके आसपास 140 150 तो ऊपर है, तो वहाँ पर 140 के 140 को अगर आप अगर आपका नंबर आ जाता है तो या फिर कंफर्म सीट है आपका लखनऊ एमसी सेंटर लखनऊ में, उससे नीचे काफ़ी मुश्किल है, और यहाँ पर कुछ एयर में कम कटअप भी जाता है, क्योंकि ये सब जैसे सिपाही फर्मा है ये एयर वाइज कट ऑफ नहीं होता, ऑल इंडिया बेसिस पर होता है, WMP ऑल इंडिया बेसिस पर, लेकिन जो नर्सिंग असिस्टेंट है ये एक फ़ायदा है कि आपके एयर वाइज कट ऑफ जाएगा, किसी किसी एयर में 115 कोलकाता एयर में पिछले साल 115 112 में भी कट ऑफ में भी सिलेक्शन हुआ है, और किसी किसी एयर में लखनऊ वगैरह एयर में 160 में भी कट ऑफ नहीं हुआ है, तो वो भाई डिफरेंस क्रिएट करेगा एयर वाइज, उसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप मैं आपको सेफ स्कोर बताऊं तो 35 नंबर एक ऐसा होता है क्वेश्चन, अगर आपने 35 किया यानी 140 के आसपास किया तो कोई भी एयर हुए वहाँ पर से आपके चांसेस बन जाएगा कि आपको एक सियोर शॉट बर्दी मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा हार्ड था इस टाइम, तो आपको वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी रह गए SSC हवलदार, ASAC हवलदार और एक RTGSU, अगर उसकी भी आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक ट्रेड और बच गया जिसके बारे में हम बात करेंगे, अब बात करते हैं अग्निवीर SKT क्लर्क। ठीक है, यहाँ पर भाई अग्निवीर SKT क्लर्क, इसको अभी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क बना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको रनिंग की एडमिट कार्ड चाहिए तो वहाँ पर आपको 40% के हिसाब से आपका चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक टेस्ट और घुसार दिया था आपका, वो है कीपैड आपका जो कीबोर्ड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट मैंने जैसे आपको बोला था वहाँ पर आपके इंग्लिश में ही हुआ, वहाँ पर 1500 की स्ट्रोक का बात किया, ये की स्ट्रोक होता क्या है मैंने एक डिटेल वीडियो बना के दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर 1500 आपका की स्ट्रोक होना चाहिए, यानी इसका मतलब है 30 वर्ड आप पर मिनट में टाइप करना चाहिए। तो ये यहाँ पर कैसे लेता है, ये लेता है कि जैसे एक वर्ड को पाँच, एक की स्ट्रोक को पाँच वर्ड के हिसाब से लेता है। ठीक है, अगर 30 × 5 करें तो 150 हो गया। ठीक है, 150 हो गया, 150 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 मिनट आपको टाइपिंग करवाया ना वहाँ पर, तो कितना हो गया 1500 की स्ट्रोक। ठीक है, मतलब नहीं समझ गए कि नहीं समझ रहे, देखिए आपका एक की स्ट्रोक का वो बोलता है पांच वार, एक की स्ट्रोक का पांच वार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना की स्ट्रोक उसने मांगा था, 30 की स्ट्रोक मांगा था कि 30 की स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए, तो एक का पांच तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 × 5000 150 हो जाएगा। अगर 10 मिनट आपने टाइपिंग किया है तो 150 × 10 कर लो, कितना हो जाएगा 1500।
जिन जिन भाई का 1500 की स्ट्रोक, यानी मतलब जो 1500 की आपने टाइप किया ए बी सी डी, अगर ज़्यादा है आपकी, तो यहाँ पर आपकी चांसेस 100% है कि आपको वहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा। 40% आपका रिटिन में और 1500 की स्ट्रोक का ऊपर आपने टाइपिंग किया है, 1400 1300 1200 भी चल जाएगा अगर आपने किया है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बढ़िया है कि आपकी फ़िजिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपको सेफ स्कोर इन फाइनल मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की जो कटअप है वो काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा एंट्री है यह, पर अग्निवीर कर दिया वो बात अलग है, लेकिन इसका प्रमोशन बहुत फास्ट है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा वो 3 बेसिस पर, एक तो आपका रिटिन में कितना मार्क्स आया, टाइपिंग टेस्ट कैसा है आपका, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिजिकल का जो टेस्ट का जो मार्क्स है, चाहे वो नर्सिंग हो चाहे वो वहाँ पर आपकी सिपाही फार्मा हो क्लर्क हो, इसमें कहीं नहीं जुड़ता, सिर्फ जीडी जीडी में जुड़ता है, वुमेन मिलिट्री पुलिस जीडी और अग्निवीर जीडी, इसमें सिर्फ जुड़ता है और वहाँ पर ट्रेड्समैन में जुड़ता है, बाकी किसी में भी नहीं जुड़ता है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, आपकी जो टाइपिंग टेस्ट और रिटिन, रिटिन में अगर आपने मिनिमम 70% स्कोर किया है, ठीक है, 70 नहीं सॉरी 80% स्कोर किया है 100 में से, तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ आएगा, क्योंकि जो एसकेटी क्लर्क का काफ़ी सीटें कम रहता है लेकिन कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है। तो यहाँ पर अगर 200 मार्क का आपका एग्ज़ाम है, तो सेम सिपाही फार्मा जैसा 160 के ऊपर इसके कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, इसके नीचे नहीं होगा। अगर 160 आपको रखना है तो 80 मार्क आपको हर 80% का स्कोर करना पड़ेगा रिटेन में, और 1500 का की स्ट्रोक अगर आपका हुआ है वहाँ पर, तो आपकी बहुत बड़ा चांसेस है कि आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हो जाए। आर्मी क्लर्क के सिलेक्शन होने के बाद अगर आप परमानेंट हो जाते हो वहाँ पर, आपके काफ़ी चांसेस रहता है, आपकी जो प्रमोशन बहुत फास्ट है, आप 5-6 साल में हवलदार बन जाते हो, आपकी सैलरी 50-55-60-65 तक चला जाता है, ठीक है। तो इसकी ये फ़ायदा है, अगर आपने यहाँ पर कितने स्कोर आप कर सकते हो ये तो टाइम बताएगा, लेकिन अगर आपने इतना इतना स्कोर किया है तो एक्सपेक्टेड कर सकते हो, आपकी भर्ती कन्फर्म है, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको डिटेल वीडियो में बता दिया सारे ट्रेड का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पासिंग मार्क और सेफ स्कोर में अंतर क्या है, सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपके क्वेश्चन कितना ठीक हुए, आप कौन सी भर्ती दिया था, कौन सी एयर हुए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट और कौन सी स्टेट से आप लिख रहे हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके आपको रिप्लाई कर दें कि आपके सिलेक्शन पक्का है कि नहीं। लेकिन जो भी डिटेल्स आप भरते हैं यहाँ पर ध्यान रखना कि वहाँ पर आपकी आर्मी ने क्या बोलते हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आपकी एयर वो कौन सी है, कौन सी भर्ती आपने दिया था, तो यहाँ पर पक्का लिखे, ताकि हम आपको सही जो नंबर से कटअप्स हम आपको बता सकें। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।